यहाँ से स्टार्ट करते, तो ये है पॉइंट 2.3, 2.3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नीचे आता हूँ, ये है 2.4, इससे कितना लेफ्ट है, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 मार्क किया। फिर ये नीचे आए, ठीक है, ये आईब्रो वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये कितने बाहर निकला है, ये है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 मार्क किया। तो इस तरीके से मैं उंगली नीचे चलाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को जो भी पॉइंट्स दिख रहा है, जो भी लाइन को कट कर रहा है, यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा, मैं वो मार्क करूंगा। तो नीचे आता हूँ और मैं, तो ये है 0.4, फिर और नीचे आया तो ये इससे कितना ऊपर है, 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 0.4, यहाँ से कितने ऊपर है ये, इस पॉइंट से 0.4, यहाँ से कितना लेफ्ट है, 0.2। फिर ये नीचे आता हूँ, ये इस पॉइंट से कितना लेफ्ट है, ये आता है 0.8, और ये इसी पॉइंट से निकल रहा है, तो ये आता है 0.8। अब एक बात ध्यान रखना कि तुम जो पॉइंट्स बना रहे हो एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि फेस थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो सकता है गलत लेने से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वाले सारे पॉइंट्स ले लिए। अब मैं चिन की तरफ बढ़ा, ठीक है, चिन की तरफ बढ़ा, इस पॉइंट से कितना नीचे है ये, 0.4, और इस पॉइंट से कितना राइट है, 0.9। तो यहाँ से मैंने मार्क किया 0.4, और यहाँ पर मार्क किया मैंने 0.9। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया यहाँ तक, तो यहाँ पे देखा मैंने ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये है 5.8, 5.8, ओके। इस पॉइंट से कितना नीचे है, 0.9, इस पॉइंट से कितना राइट है, 0.9। तो यहाँ से 0.9 नीचे और 0.9 राइट। फिर मैं ऊपर बढ़ता हूँ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, 6.8, 6.8 से कितना ऊपर, 6.8 से 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। फिर इधर आता हूँ मैं, ये है 6.7, 6.7 से कितना राइट में, 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, और ये ऐसे ऊपर आ रहा है। अभी कितना ऊपर आ रहा है ये भी तुम्हें मार्क करना जरूरी है। तो इसकी हाइट देखोगी तो हाइट आएगी 1.3 सेंटीमीटर, तुम्हें यहाँ तक ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं, ओके, मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं। ईयर्स के मार्क करूंगा मैं, ईयर्स के, तो ईयर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अपने, तो ये पॉइंट कितना राइट लेफ्ट में है इसके, 1.3, और कितना ऊपर है, 1, ओके। कौन से पॉइंट से लिया, 7.5 यहाँ से, तो 1.3 यहाँ मार्क किया, और 1 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ मार्क किया। फिर यहाँ से कितना राइट में है, 0.7 सेंटीमीटर, 0.7, फिर इस पॉइंट से निकलता हुआ है। तो मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिया, ठीक है, तो अपन ने पॉइंट्स बना दिए। अब उन्हें एक्यूरेटली कनेक्ट भी करना, तो स्टार्ट करते ड्रॉ करना ईयर से। तो ये उठा ऊपर की तरफ और यहाँ की तरफ मुड़ गया, फिर थोड़ा देखो नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से एक कर्व आया, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट को टच करा, ये अंदर की तरफ मुड़ा। तुम्हें मैंने यहाँ दे दिया था कि हाइट इतनी है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो राइट हैंड साइड मुड़ रहा है और यहाँ ऊपर कनेक्ट हो रहा है, तो अपना ये ईयर ऐसे बन गया, ठीक है। तो मैं ऐसे बहुत पॉइंटेड ईयर बनाने की जरूरत नहीं। अब तुम ये लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुम्हें एक स्ट्रेट सी लाइन दिखेगी। तुम फ्री हैंड से ड्रॉ करोगे तो हल्की कर्व आई जाएगी। मैंने ये ड्रॉ किया, कोई ऐसे नीचे नीचे की तरफ ऐसे कर्व नहीं कर देगा, कोई लटकता हुआ नहीं है, इसकी जॉ लाइन है ये एकदम शार्प, तो तुम्हें भी वैसी बनानी है। ये गए, अब तुम इसे डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन नहीं करोगे, तुम देख सकते हो ये नीचे आया और एक कर्व हो रहा है यहाँ पे, तो वही सेम चीज कर्व तुम्हें यहाँ करना है। अब चिन वाला पार्ट आता है, तो चिन वाला पार्ट तुम देखो एक चीज यहाँ पे है मैक्सिमम, इतना नीचे है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, पॉइंटेड पोर्शन नहीं रखना, अपन यूजुअली कर्व रखते हैं। ये कर्व किया, ये ऐसे रख ले गए ऊपर, और यहाँ पे भी कर्व कर दिया, जैसे लोअर लिप बनाना सिखाया था ना उसी तरीके से है ये आए। अब इतना हो गया, चलो बढ़िया, अपना फेस स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, तो यहाँ से आगे बढ़े थोड़ा, एकदम डायरेक्ट ऐसे नीचे कनेक्ट नहीं करते, धीरे से नीचे आए, फिर ऐसे नीचे की तरफ मुड़े, ठीक है, मुड़े। ये स्ट्रेट लाइन नीचे नहीं है, तुम देख सकते हो ये थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड टिल्टेड है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा ऐसे की तरफ है ये आए। और अब ये वाली जो आ रही है ये स्ट्रेट नीचे की तरफ है, लेकिन एकदम इसे ज्वाइन नहीं करना। ये देखो आईब्रो वाला पोर्शन,
थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। अब वो कितना बाहर की तरफ निकला हुआ है तो वो तुम अंदाजा लगा सकते हो। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचोगे, उस स्ट्रेट लाइन कितनी लेंथ है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन की, वो है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर आया, तो तुम्हें ये वाला जो पॉइंट बना रहे हो ये यहाँ ज्वाइन, ठीक है, इसे नीचे लाए, एकदम डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन नहीं करना। तुम्हें पता है यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। तुमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, थोड़ा एक्सटेंड करा ऊपर की तरफ और इसे थोड़ा सा कर्व कर दिया, हल्के से कर्व के साथ लाए। तो वैसे कोई पॉइंटेड नहीं बनाओगे, वर्टेक्स नहीं बनानी अपन को, हल्के से कर्व के साथ आ। फिर इसको हल्के से कर्व के साथ इस पॉइंट पे ज्वाइन किया। देखो ये थोड़ा कर्व, ये फूला हुआ सा लग रहा है, ये थोड़ा सा गलती क्या करते हैं अपन, एकदम सी शेप बना देते नहीं, ये हल्का सा उठा हुआ कर्व आया ऐसे। फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे कर्व होते होते गया धीरे धीरे, और ये लेफ्ट हैंड साइड टर्न मार, ये जो अपनी चिन वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये अलग से अपन को दिख रहा है जो, वो अपना इस तरीके से अचीव होता है, चिन वाला पोर्शन, ओके। तो एक और चीज बचती है, वो तुम लोग फ्री हैंड भी कर सकते हो अगर तुम्हें मेजरमेंट समझ में आ गए थोड़े। हियर्स अपन ऐसे बढ़े नीचे की तरफ, देखो पास पास ही है अभी इस लाइन के, ये ऐसे कर्व करते करते ऊपर गया, ठीक है, ये कर्व करते ऐसे स्ट्रोक्स जो जाते हैं ना, अभी कितना है, जैसे ये देखो तुम इससे मेजरमेंट ले सकते हो कि इस पॉइंट से कितना है, 0.6 आएगा, हाँ 0.6 सेंटीमीटर है, 0.6 मार्क किया, ऐसे ऊपर की तरफ गया, यहाँ से देखो थोड़ा नीचे की तरफ आया, फिर ये, तो तुम्हें इस तरीके से थोड़ा फेस का एक वो हेयर्स की एक लाइन सी बनानी है, हेयर लाइन, ठीक है। तुम्हें एकदम एक्यूरेटली कोई डब्बा नहीं बनाना है कि लाइक एक स्ट्रेट लाइन खींची और यहाँ ईयर्स पे कनेक्ट कर दी, नहीं, तुम्हें जिस तरीके से टेक्सचर में आ रहा है ये वो बनाना जरूरी है। इस तरीके से हुआ अपना, अब तुम देख सकते हो यहाँ से लाइन नंबर 5 से ये हल्का हल्का ऐसे नीचे आने लगा है, तो नीचे आया अपना, यहाँ से ऐसे लाइन आगे गई, ये हुआ अपना कर्व, फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे आया, फिर ये पीछे हो गया, फिर इस तरीके से नीचे आया और ये हो। अभी अपन को बाहर के एकदम पूरे बालों का डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, अभी अपन को पहले देखना है कि फेस बना अपना बन जाए सही, तो उतने पे वर्क करो, ये नेक को कनेक्ट कर दो यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये अपना फेस लोकी का बन जाता है। और हेयर्स अपन यहाँ से आ रहे हैं अपने, ओके, कौन से वाले पोर्शन से, यहाँ। अब तुम्हें एक चीज ये देखनी है, जैसे ये हेयर आ रहा है, तुम्हें देखना है इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से लेके इसके फेस तक का लाइक 0.7 है, तो मैंने यहाँ से मार्क किया 0.7, तो मतलब मेरे जो हेयर्स उठ के आ रहे हैं वो ऐसे उठ के आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे मुड़ गए, फिर ये यहाँ से उठ के आए, तुम इसका डिस्टेंस ले सकते हो 0.9 निकलेगा, यहाँ लिया और इस पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से ऊपर उठाए, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं बाल इस तरीके से, अब ऐसे नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट जाते, नहीं, यहाँ पे आए, यहाँ से क्रॉस करा, ये जो ऊपर टॉप सा बन रहा है ये हुआ, फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ रोक दिया अपन ने ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ये जो पीछे की तरफ जा रहा है, अभी अपने मन से कोई भी ऐसे नहीं बना सकते, मैंने जो बनाए थे वो एक एक कैलकुलेट करके बनाया था कि हाँ ये जो जा रहा है जैसे ये नीचे, ये उठेगा ऊपर जाएगा और ये आगे जाके ऐसे ज्वाइन करेगा ऐसे, ठीक है। ये वाला जो है, जो ये है, ये जाएगा ऐसे उठेगा और ऐसे यहाँ पे जाएगा, ये वाला जाएगा इसे उठेगा और ऐसे जाएगा, ये जो डार्क पोर्शन वाला है ना ये बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तुम्हें जो चेहरे अभी तो क्या है, तुम्हें बेसिकली आउटर डिटेल देना है, तुम्हारा होमवर्क टाइप समझ लो कि अंदर अंदर जो थोड़े डिटेल से दिख रहे हैं, ये एक लाइन जा रही है ऐसे हल्की सी, वो तुम्हें घर पे देना है। मैं एक बाहर का शेप बता रहा हूँ अभी, ताकि उतना काफी रहेगा। फिर यहाँ देखो नीचे आते हैं, तुम क्या करोगे, तुम अपने मन से बनाओ, नहीं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मैंने देखा 7.2 से कितना ऊपर है, 0.8 सेंटीमीटर, तो 7.2 0.8 सेंटीमीटर, हियर वी गो, ओके, इस तरीके से आया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया,
अब तुम्हें ये वाला दिख रहा, मैंने ये ड्रॉ किया था, ये ऊपर आया ऐसे और ये नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या गलती हो सकती है कि बहुत पास कर दिया, तो चेहरा जो अपना रहता है वो बालों से भी बहुत जरूरी होता है, अंटिल अनलेस तुम किसी टकले का स्केच बना रहे हो, तो इस वाले क्रिया को कम कर दोगे तो अजीब लगेगा, ज्यादा कर दोगे तो भी अच्छा। तुम्हें ये देखना है कि ये इस लाइन से ये कितना दूर है, तो तुमने स्केल रखा 1.5 सेंटीमीटर निकला, तुमने 1.5 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया, तो तुम्हें पता चल गया यहाँ से निकलेगा, जैसे नीचे गया ये आए। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन कर दिया, एक प्रोसीजर होता है कि धीरे हल्के से कर्व के साथ, जैसा वो शेप उसमें दिख रहा है कैसे कर्व के साथ आया, फिर नीचे बढ़े। अब तुम्हें देखा कि कर्व के साथ ही आ रहा है, एक लेयर स्ट्रैंड है ये। अब तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ से निकल रहा है, तो अपन ने पॉइंट पूरा 8.6 ये रहा, इससे कितना राइट में 1.3 सेंटीमीटर, तो मैंने अपना 1.3 मार्क किया यहाँ। फिर नीचे आएगा ये तुम्हारा 0.9 सेंटीमीटर, फिर यहाँ नीचे आएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से मार्क करे अपन ने। अब उनको शेप में, अब तुम क्या गलती करते हो, ऐसे धीरे धीरे एक को जोड़ते हो, नहीं तुम्हें फ्लो आना चाहिए और तुम्हारा फ्लो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से निकलना चाहिए। देखो पहले स्केच में नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ होता है तो वो आ जाएगा। अब अपना ये वाला पोर्शन था जो ईयर के ऊपर से जा रहा था, तुम देख सकते हो इसमें दो पोर्शन है, एक लाइट और एक डार्क, ठीक है। तो तुम्हें लाइट वाले पोर्शन की यूजली आउटलाइन बना रहे हो ताकि रेस्ट ऑफ द पोर्शन यू कैन फिल डार्क। यहाँ से ही आया, फिर यहाँ से एक और आउटलाइन टाइप आ रही है, वो यहाँ पे आया और इनके बीच में एक पार्टीशन टाइप है। फिर ये वाला जो वाइट एरिया है अपना, लाइट एरिया अपना ये है, ये ऐसे ये उठता है, ये नीचे की तरफ आता है और ये यहाँ पे मिक्स होता है ऐसे, फिर यहाँ पीछे दोबारा निकलता है ऐसे और फिर ऐसे कर्व करो, फिर यहाँ से उठता है और फिर ऐसे कर्व करो, ठीक है। ये भी थोड़ा हल्का हल्का वाइट अपना लाइट पोर्शन हो जाता, इस तरीके से बना दिया। तो ये तुम्हें थोड़ा डिटेल्स है, धीरे धीरे अपन को समझ में आ जाएगा डिटेल्स, जैसे कर्व हो गया ये, अपन ने डिटेल्स बनाई है, ठीक है। अभी भी अपन को बचा है, जैसे ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ से ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से ऊपर उठता है ये नीचे आता है, सेम इसी जगह से दोबारा ऊपर उठता है फिर ऐसे नीचे की तरफ आता है, यही वाला शेप फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये वाले जो बनाए हैं मैंने जब बताया कि एग्जैक्टली कैलकुलेटेड बनाया, तो तुम्हें भी वही करना है। अभी देखो ये डार्क है, ये कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल के ये पीछे जा रहा है, ठीक है। तो जो डार्क एरियाज हैं अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उन्हें थोड़ा हल्का हल्का ऐसे शेड कर सकते हो कि लाइक ये मैंने बनाया था ये डार्क होना चाहिए, ओके, ये डार्क होना चाहिए, ये डार्क, बाकी तो अपन को देख के समझ में आ ही जाता है। तो ये अपना लोकी का फेस शेप बन जाता है, हेयर्स भी बन जाते हैं बढ़िया तरीके के, अपना बस बचता है आईज नोज लिप्स फेशियल फीचर्स, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, आज के लिए इतना काफी है।